संजू सैमसन की तूफानी पारी के बाद श्रीश गोपाल की चमत्कारी गेंदबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल ने इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 19 रन से हरा दिया। तीसरे मुकाबले में राजस्थान की ये दूसरी जीत है। रॉयल्स ने संजू सैमसन की 45 गेंद में 10 छक्कों और 2 चौकों से नाबाद 92 रन की पारी की बदौलत 4 विकेट पर 217 रन बनाए, जो आईपीएल के इस सीजन का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। इसके जवाब में कप्तान विराट कोहली 57 और मनदीप सिंह 25 गेंद में नाबाद 47 की पारियों के बावजूद आरसीबी की टीम 6 विकेट पर 198 रन ही बना सकी। संजू सैमसन की पारी की बदौलत राजस्थान ने दूसरी जीत दर्ज की, साथ ही वो एक ऐसी लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं जहां पर कई बड़े बड़े भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं। जी हां, संजू सैमसन 10 छक्कों के साथ आईपीएल में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाज मुरली विजय इस लिस्ट में 11 छक्कों के साथ अब भी टॉप पर हैं। उन्होंने राजस्थान के खिलाफ साल 2010 में 127 रनों की पारी के दौरान 11 छक्के लगाए थे। वहीं युवराज की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने साल 2014 में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के लिए दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए 68 रनों की पारी में 9 छक्के जमाए थे। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं दिल्ली के स्टाइलिश बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने पिछले साल ही गुजरात लायंस के खिलाफ अपनी 97 रन की पारी में 9 छक्के जड़ दिए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स न्यूज रूम रिपोर्ट।